जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ टॉप 10 जीके क्वेश्चन, जिसमें कुछ स्टैटिक होगा, कुछ करंट अफेयर पे है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनजाति एक तरफ लिखा है, दूसरा लिखा है कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है भूटिया जनजात। तो भूटिया जनजात जो है सिक्किम में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से तिब्बत में पाए जाते हैं। सिक्किम है और आपका भूटान है और थोड़ा सा नेपाल में पाया जाता है। दूसरा है ढोंडिया जनजात। ढोंडिया जनजात गुजरात में, मुख्य रूप से गुजरात के दक्षिण पश्चिम जिले में पाए जाते हैं और आपका जो वहाँ पे दादरा नगर हवेली है, दमन है, उस एरिया में पाए जाते हैं। खास करके ये नवसारी वापी जिले में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद है गोंड। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में भी पूरा, और थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र में, और थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा आपका ये राजस्थान, और थोड़ा सा हरियाणा में पाए जाते हैं। उसके बाद मालासर जनजात। मालासर जनजात केरल तमिलनाडु और केरल तमिलनाडु थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में मालासर जनजात पाई जाती है। उसके बाद है कि भारत में संगम साहित्य के बारे में बताइए। तो संगम साहित्य के बारे में याद रखिए कि ये दक्षिण भारत का साहित्य है। ये 300 BC से 300 AD तक, यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच में लिखा गया है। इसके दो टाइप मिलते हैं, एक है एकम और दूसरा है पूरम। एकम वो है जिसमें प्रेम के ऊपर लिखा गया जो भी चीज़ है वो एकम के अंदर में आती है। दूसरा है पूरम। पूरम वो है जिसमें राजाओं के जो मतलब राजाओं की वीरता के बारे में लिखा गया है, कौन सा राजा कहाँ पर लड़ाई की, कहाँ जीते, तो उन सब चीज़ों के बारे में पूरम में लिखा गया है। और ये चोल पांड्या जो राज्य हैं उनके बारे में मुख्य रूप से, दक्षिण भारत के जितने भी उनके बारे में मुख्य रूप से लिखा गया है। उसके बाद है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद कौन सॉल्व करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में ज़्यादातर देता है सुप्रीम कोर्ट आयोग बनाकर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें है ये अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून बनाकर अंतरराज्यीय जल विवाद को सॉल्व कर सकती है। जैसे कावेरी जल विवाद सबसे फेमस जल विवाद है। अभी हाल में पेरुनम नई जो नदी पे एक बांध बनाया जा रहा है दक्षिण भारत में, उस पर है कुछ, कभी कभी आप देखते होंगे कि हरियाणा पंजाब को लेकर विवाद होता है, तो ये अक्सर करंट में रहता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में एसिड अटैक सर्वाइवर को सर्वाइवर के लिए निर्देश दिया था कि ये अपराध है। तो आप याद रखिए लक्ष्मी बनाम भारत संघ, लक्ष्मी बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट में 2013 में केस आया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आईपीसी धारा 326A में 10 साल के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है आपका बोपोर उर नाव कहाँ का है। तो बोपोर उर एक नाव का प्रकार है, ये केरल में बनाया जाता है। 2000 साल से ये नाव को बनाया जाता है। ये दर्शाता है कि हमारा और अरब यानी सऊदी अरब, आपका ये ईरान, इराक, इनसे कितने अच्छे संबंध पहले के ज़माने में रहे हैं, क्योंकि वो लोग नाव यहाँ से ले आते थे जब मानसून की खोज हुई थी। उसके बाद एक गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को USA में हुआ था, और इसके मुख्य नेता थे आपके बाबा गुरमीत सिंह और भिखा जी का। बाबा गुरमीत सिंह जो पहले नेता थे उनके कारण ही ये पहले पंजाबी में ही केवल लिखा जाता था इनके विचारों को, बाद में अलग अलग भाषाओं में लिखा जाने लगा। भीखा जी कामा के बारे में याद रखिए कि वो बंदूक गुड़िया कही जाती हैं, उन्होंने वो गुड़िया में बंदूक भेजती थी भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके लिए। उन्होंने जर्मनी में तिरंगा लहराया था सबसे पहले, कहाँ पर लहराया था ये आपको खोजना है। और उसके बाद और नेता हैं दो, रहमत अली और रास बिहारी बोस। 17 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी। तो पहली राष्ट्रीय जो वो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। उन्हें 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाया गया था। न्यू इंडिया करके उनका एक अखबार भी था। टीटागढ़ संयंत्र में कौन कौन था। तो कुछ षड्यंत्र हैं जिनमें मुख्य रूप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे टीटागढ़ है और शस्त्रागार जो लूटा गया था बांग्लादेश का, तो जहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। तो इसमें हैं पारुल मुखर्जी हैं, सीता नाडे हैं, निहार रंजन रे हैं, विनोद पाल चौधरी हैं, कुछ मुख्य इसमें षड्यंत्र में के जो नेता हैं वो हैं। उसके बाद गांधी बूढ़ी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा गांधी बूढ़ी मातंगिनी हजारा को गांधी बूढ़ी कहा जाता था। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस 1885 से 1935 आते आते कई भागों में बंटी थी, तो
उसमें एक अलग से पार्ट बना था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, तो उसमें चित्तरंजन दास भी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नेता थे। धन्यवाद।